इट्स द नेक्स्ट डे एंड अभी आई एम गोइंग टू अनदर साइड ऑफ हम्पी, जिसके लिए मुझे फेरी पॉइंट से अगेन जाना है. लेकिन दिस इज द अनदर फेरी पॉइंट जो कि वीरूपक्षा टेम्पल के पास से होके जाता है. तो ये मेरे गेस्ट हाउस से पास में था. आई टुक वन बस ओके टिल शेती हिप्पी आइलैंड. ओके सो हिप्पी आइलैंड से मुझे यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे वीरूपक्षा टेम्पल जाने के लिए जो फेरी पॉइंट था वो यहाँ से है. तो देयर आई एम गोइंग राइट नाउ. सो ऑन दिस रोड आई हैव टू गो 1 किलोमीटर स्ट्रेट टू रीच फेरी पॉइंट. Welcome back to my channel. I'm Vaidhi and I hope you all are safe and doing well. And this is day 2 of Hampi, Jayanagara Empire, which is an old Hampi because I was in Hippi Island yesterday. So, सुबह मैं बस पकड़ के यहाँ पे आ गई एंड आई चेक्ड इन टू माय होम स्टे विच इज अभी होम स्टे विच इज रियली नाइस प्लेस. सो अगर आप लोग रहना चाहते हो यहाँ पे आई लाइक गिव द कॉन्टैक्ट नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ये अराउंड 3.2 और 3.5 किलोमीटर्स है फ्रॉम हम्पी फ्रॉम वीरूपक्षा टेम्पल. सो यहाँ से आई एम अगेन गोइंग टू टेक बस टू हम्पी एंड वहाँ से आई एक्सप्लोर ऑल दोज टेम्पल्स एंड रूइन मॉन्यूमेंट्स एवरीथिंग. सो दैट आई एम गोना एक्सप्लोर टूडे. एंड रात को 10 बजे मेरी बस भी है तो आई हैव टू कम बैक अर्ली एंड आई एम टोटली रेडी एंड ओके प्लीज इग्नोर दैट मिस. एंड this is what I am wearing. This is like a beautiful kurta. I bought it from Meesho and wore my earrings. Yeah, I am ready and now I'm okay. So I am here at Hampi and पीछे जो देख रहे हो that's a वीरूपक्षा temple. एंड अभी उसके आगे से यहाँ पर मुझे पता चला है कि अच्युतराय टेम्पल है, उसके आगे वरा टेम्पल है, देन सुग्रीवा केव्स है एंड एट द एंड विजया विठला टेम्पल है, जो कि कोई बोल रहा है कि 2 किलोमीटर पर, कोई बोल रहा है 1.5 किलोमीटर पर, कोई बोल रहा है 3 किलोमीटर पर. सो ऑटो वाले ने बोला है कि 25 किलोमीटर है. तो ही आस्क्ड मी टू पे 1000 रुपीज. सो सारा साइट सीइंग कराएगा बट आई वाज लाइक नो, बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा उसमें. सो आई थॉट ऑफ वॉकिंग क्योंकि सारे टेम्पल्स जो एक के पीछे एक ही है. सो एक के पीछे एक सारे टेम्पल्स हो जाए. आई एम अ बिट कन्फ्यूज्ड. मैंने वहाँ पे मैप देखा था. आई एम डायरेक्टली गोइंग टू विजय विठला टेम्पल विच इज़ 1 किलोमीटर एंड आई एम ऑन द वे राइट नाउ. सो वेल गोइंग टू अच्युतराय टेम्पल. सो दिस इज़ द रूट एक्चुअली. सो आते आते जो है आई एम प्लानिंग टू गो देयर बिकॉज जाते जाते मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सा टेम्पल कहाँ पर है बिकॉज आई एम टोटली न्यू टू दिस प्लेस. मुझे कोई आइडिया नहीं है. सो नाउ आई एम गोइंग टू विजय विठला टेम्पल. Here I am inside the Vijaya Vithala temple which is famous for that stone chariot. I'll show you that thing jo ki stone ka jo rath bana hai jiske liye famous hai, that I'll show you now. I'm here at Sugriva's cave. Behind me you can see that's the cave jahan bhi I'm going. So we'll see that. Let's go.
I'm here at Varaha Temple. Let's go inside. So currently I am here at Queen's Bath, जो कि मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो. So this is Queen's Bath, जो कि रानी का वॉशरूम बाथरूम बोल सकते हो, जहाँ पे वो नहाने वगैरह आती थी. So that's we gonna see now. अब सोच रहे हो बाथरूम इतना बड़ा है. So currently I am here in King's Palace. You can see here. So yep, I am going now. See कि क्या है पहले. मेरे ऑटो वाले भैया ने मुझे ये चीज़ बताई है. मैसूर में अभी जो दशहरा पूजा होती है ना, जैसे इस साल भी हुई होगी, सो पहले जो है वो यहाँ होती थी, जो ये वाला पैलेस है यहाँ पे होती थी वो पूजा. पहले यहाँ पे वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अब मैसूर में होती. लेट्स गो. Currently I am here at Lotus Mahal, जो कि basically कहा जाता था कि रानी का air conditioning room है उस time का. In front of Lotus Mahal, there is a tower which is a watch tower, जिसे कहा जाता है. So this watchtower was the security source of the Vijayanagar Empire, and it was specially meant for the guards of Vijayanagar Empire to quarantine the royal palace. This is just in front of the Lotus Mahal. So now I am here at Elephant Stable. Behind me you can see that place. That is a elephant stable which is known as उस ज़माने में जो एलिफेंट्स थे राजाओं के पास, जहाँ पे रखने की जगह होती है. ये जो होल्स देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एलिफेंट्स को रखा जाता था. इट्स लाइक उनकी रहने की जगह. सो करंटली आई एम हियर एट अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, जो कि अंडरग्राउंड है, नीचे से जाना पड़ता है. सो ये मैंने सुना था एंड इसीलिए आई केम हियर. तो विल सी. तो अभी मैं यहाँ पे हूँ. ये जो है नरसिम्हा का मूर्ति है, बहुत बड़ा, एंड वन इज शिवलिंग का टेम्पल है. ठीक है, तो ये हम देखेंगे अभी. सो ये जो मूर्ति आपने
अभी देखी थी नरसिम्हा भगवान की. सो ये एक्चुअली एक ही पत्थर से बनाई गई है, यानी कि उसमें दो तीन पत्थर नहीं यूज़ किए गए हैं, सिर्फ एक पत्थर से जो है इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है. ठीक है, सो मानना पड़ेगा पहले लाइक 500 साल पहले ये सारा जो विजयनगर एम्पायर है इट इज़ 500 ईयर्स ओल्ड. ओके, जो आर्किटेक्चर्स थे इट्स नेक्स्ट लेवल. अभी के ज़माने में तो ये सारी चीज़ें हो ही नहीं पाएगी. इतना अच्छा आर्किटेक्चर कि सोच में पड़ जाएगा इंसान कि भाई बनाया तो बनाया कैसे होगा, क्योंकि इतने औजार भी नहीं होते थे उस टाइम पे. करंटली आई एम हियर एट गणपति टेम्पल. सो दिस इज़ द गणपति टेम्पल एंड दिस इज़ द गणपति. गणपति का शेप आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा? जो गणपति का पेट है वो हमारे खाने में जो दाल पड़ती है ना, जो दाल का शेप होता है उसकी तरह है. सो अभी हमने देखा था एक छोटा गणपति, ठीक है, एंड नाउ देर इज़ अ बिग टेम्पल फॉर गणपति. आई थिंक इसका नाम है कडले कालू गणपति. तो विल सी दिस एंड दिस इज़ द लास्ट गणपति टेम्पल नाउ. विरूपक्षा टेम्पल. सो दिस इज़ माई लास्ट स्टॉप एंड इसके बाजू में यहाँ पे यू कैन सी दिस इज हेमकुंटा हिल जहाँ से आई प्लान्ड टू सी सनसेट. तो फर्स्ट आई विल गो टू विरूपक्षा टेम्पल नाउ. यू कैन सी दिस मंकी वाज ड्रिंकिंग माय वाटर बोतल का पानी. ये एकदम से मुझ पे झपाटा मार के आ गया था. माय लास्ट स्टॉप इज हेमकुंटा हिल वेयर आई एम राइट नाउ. अभी मैं चढ़ रही हूँ. देर आर सम टेम्पल्स बट मैं अभी वो नहीं देखने वाली हूँ बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट एंड कल भी मैंने जो सनसेट है वो मिस कर दिया था. बट यहाँ से मैं सनसेट नहीं मिस करूँगी. सो या आई एम डायरेक्टली गोइंग टू सनसेट साइड. हो गया मेरा हेमकुंटा हिल देखना भी एंड नाउ आई एम गोइंग बैक एंड दिस वॉज द लास्ट प्लेस वेर आई हैड टू गो हियर इन हम्पी एंड यू कैन सी दैट टेम्पल लाइट वगैरह लग गए हैं दिस ऑल्सो. सो या नाउ आई एम गोइंग
and this was my trip, and I hope you guys enjoyed both the videos. Do like, share and subscribe to my vlog. Keep watching for such videos. Till then, bye bye.